कौन करेंगे उठा तो यहाँ पर आप लोगों के साथ एक इंस्टेंट एयरड्रॉप शेयर करने लगा हूँ इराम का, और इसका ये राउंड टू है और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो सबसे पहले आपने ज्वाइन कैसे करना है, आपने अपना ईमेल डालना है, अपना डिस्प्ले नेम डालना है यानी कि अपना नाम, उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद आपने साइन अप पर क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है ये आपका जो अकाउंट है ये क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपने अपने अकाउंट को लॉग इन करना है। तो जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करना है। कैसे करना है, यहाँ पर आप मिनिमम 10 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आ जाना ऊपर डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये डैशबोर्ड का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर आ जाना है, ठीक है। उसके अलावा ये पूरी जो डिटेल है मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर भी की है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने ये न्यू डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर, तो आपको यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको टोकन लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, आपने थोड़ा नीचे करना है और यहाँ पर आपने यहाँ पर आपके एक बिटकॉइन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा इशू आ रहा है जिस वजह से वो ये शो नहीं हो रहा, आपने बिटकॉइन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है ETH, ठीक है। एथेरियम आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सेव कर लेना है। यहाँ पर आपने ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एथेरियम इसके ऊपर ऐसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने जो है ना नीचे आपने कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ये वाला जो ऑप्शन है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपको ये अलर्ट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक आर्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं क्रिएट आर्ट, आपने इसके ऊपर आ जाना है। जैसे आप आर्ट क्रिएट करने के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपने जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्रिएट आर्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम वेट करते हैं जैसे बड़ा हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर, ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसको बड़ा होने देते हैं उसके बाद करते हैं। अच्छा, आपने इसको डेस्कटॉप मोड कर लेना है, डेस्कटॉप मोड करेंगे तभी ये ओपन सारा होगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर नाम लिख लेना है, कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि ये वाला मैं नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट से एथेरियम का जो एड्रेस है वो आपने पेस्ट करना है, ठीक है। ज़रा एहतियात से कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एड्रेस पेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने यहाँ तीनों जगह पे जो है ना अपने ट्रस्ट वॉलेट का जो एथेरियम का एड्रेस है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने वो आपको बोल रहा है व्हाट तो यहाँ पर मैंने 1500 लिखा, यहाँ पर 1650 लिखा। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर वो बोल रहा है व्हाट टोकन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर 100 लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 1600 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि यानी कि विच चैन, आपने चैन कौन सी रखनी है। तो यहाँ पर हमने एथेरियम जो चैन है वो सेलेक्ट करनी है। एथेरियम से चैन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आना है और यहाँ पर आपका जो ईमेल है वो ऑटो आ जाएगा। आपने इस ईमेल के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट वाले जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उससे पहले आपने यहाँ पर ETH सेलेक्ट करके एथेरियम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने ये जो है क्रिएट वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। तो जैसे ही आप क्रिएट वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक तो आपकी जो आर्ट है वो एक क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो चैनल आर्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ पर उसके अलावा और कोई काम नहीं है। आप यहाँ पर आपको ऊपर एक इनवाइट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर इनवाइट वाले ऑप्शन पे करें क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर जो है आपने अपना रेफर लिंक ले लेना है और आप लोगों ने कोशिश करनी ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। आपने यहाँ पर लिंक कॉपी कर लेना है, लिंक कॉपी करेंगे तो आपको जो है ना वो आपका जो यानी कि जो एड्रेस है वो लिंक एड्रेस कॉपी हो जाएगा और आप इस पे कम से कम 10 लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये इसका एक पहले भी एड्रॉप आया था, उसके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हुई है, तो इसके अंदर भी इंशाल्लाह उम्मीद है हमें बहुत ज़्यादा अर्निंग होने वाली है।